नेम प्लेट इश्यू को उठाने वाले यशवीर महाराज ने कहा, कांवर यात्रा में होटल, ढाबे, चाय, जूस, मिठाई की दुकानें हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चलती है, लेकिन संचालक मुसलमान होते हैं। ये गैंग थूकने, मुतने, गौ मांस और ऐसी चीजें मिलाने का काम करता है जिसे खाकर हिंदू नपुंसक हो जाए। हमने उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर एक आवाज उठाई थी कांवड़ यात्रा के समय कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में होटल, ढाबे, चाय, मिठाई, जूस, फलों की आदि खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं और वे हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर चलाई जाती है, लेकिन उनके संचालक मुसलमान होते हैं और ये वही गैंग है जो हिंदुओं के भोजन में थूकने, मूत्र करने, गौ मांस मिलाने या ऐसी खाद्य पदार्थ, ऐसी चीज मिलाने का गैंग है जिसे खा करके हिंदू नपुंसक हो जाए। और ये बड़ी सफलता हमें मिली और पूरे भारत में ये क्रांति के रूप में आवाज चली और आप लोगों ने इसमें बड़ा सहयोग किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदुओं के लिए नहीं है, तो मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि हमारा ये अभियान अब बराबर चलता रहेगा। तो आप लोगों को इतना करना है कि जहाँ भी खाद्य पदार्थ की दुकान पर, चाहे वो होटल आदि कोई भी हो, ओम का झंडा भगवे रंग में और मोटे अक्षरों में नाम, आधार कार्ड की कॉपी और भगवान वाराहे का चित्र हो, वहीं पर आप लोग कुछ भी खाएं। और जहां पर ये नहीं है, चाहे वो हिंदुओं की भी दुकान हो, आप लोग वहां न खाएं और उस हिंदू दुकानदार को प्रेरणा दें कि आप लोग यहां पर भगवान वाराहे का और दूसरे चित्र लगाएं। यदि वो नहीं लगाता तो बिल्कुल आप लोग न खाएं जब तक वो अपनी पहचान छुपाए हुए हैं। और जो मुसलमान अपनी पहचान छुपा करके आई खाद्य पदार्थ की दुकान चला रहा है तो समझिए कि आपके साथ में कितना बड़ा धोखा कर रहा है। और ये भी ध्यान रखें आप लोग कि मुसलमान 99% मांसाहारी होता है और जब वो मांसाहारी है तो आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन वो कैसे दे सकता है, ये चिंतनीय विषय है। तो इसलिए आप लोग जहाँ भी भोजन करें वहीं पर करें जहाँ भगवान वाराहे का चित्र है। जहाँ भगवान वाराहे का चित्र नहीं तो समझिए वहाँ आपके भोजन में धोखा अवश्य होगा। हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो SNI न्यूज साथे।